भारतीय सन्नकार संहिता परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारे बीच में डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी दिल्ली से आए हुए हैं, आयुष मंत्रालय से हैं। थैंक्स गॉड हम सब बच गए। रियली आज हम लोग बहुत सब लोग बैठे हुए हैं और 2019 के बाद 22 में सर के साथ फिर मुंबई में मुलाकात हो रही है। आज बहुत बड़ा एक अवार्ड शो भी है, इस अवार्ड शो में हमारी यहाँ सबकी मुलाकात हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि रियली कि हम लोग कोरोना के बाद फिर से सब लोग मिलेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सर को धन्यवाद करती हूँ। सर थैंक गॉड हम सब बच गए और हमें ऊपर वाले ने इसीलिए बचाए हैं कि बहुत कुछ करना है देश के लिए और लोगों के लिए। कि लोग भगवान ने कहा है कि आप लोग बच गए हो, बहुत सारे काम आपके द्वारा होना है कि लोगों को भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए। तो इसीलिए मैं धन्यवाद करती हूँ। बाकी सब लोग धन्यवाद करो, आप भी धन्यवाद करो कि थैंक्स गॉड कि आप सब बच गए। सर लिए लेना सर, सर भी कुछ बोलिए। दिल्ली से हम मिले सर से 2019 में, आज हमारे भी मुंबई में उपाध्याय सर आए जो हमारी आयुष मंत्रालय के बहुत बड़े सर हैं और बहुत धन्यवाद है। मुंबई पर पधारी हमारी, क्या बोलो, मुझे भाषा ही नहीं आ रही है कि बाबा भैया को मिल के इतना खुश हुई। कोरोना काल की विपत्ति से भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने आयुष मंत्रालय के तहत जो काढ़ा बनाया था, गिलोय, तेजपत्ता, दालचीनी, उसका इतना बड़ा असर दिखाई दिया। पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या की गणना के तहत जितना नुकसान और कंट्री में हुआ है, भारत के अंदर नहीं हुआ। और उसका विजय पताका कहाँ से फहराएगी, जो व्हाइट हाउस के अंदर भी हवन भी किया गया था। हमारे मंत्रालय में कई लाख पैकेट्स बनाए थे हमने, भारत की पवित्र भूमि के अंदर हमने बांटा है, निःशुल्क बांटा है। और वैक्सीन हमने बनाई जो नेपाल को भी निःशुल्क हमने भेजी है और भारत के कई कंट्रियों दी है। और ये पहला विषय रहा है लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के अंदर, हमने वैक्सीन बना करके महामारी के दौरान वर्ल्ड के कई देशों को सप्लाई किया। ये भारत की जीत का कारण रहा। जय भारत माता, जय भारत, जय मोदी जी, जय जय। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया जी ने इतना अच्छा बोला है। रियली मोदी जी को भी बहुत बहुत, मोदी जी के वजह से हमारा हिंदुस्तान बचे, और सभी को धन्यवाद।